अद दुख निकंदन अमरदास गुर हृदय त्यामो हृदय त्यामो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी गुरु तेग बहादुर परम केर पाला परम केर पाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बेसाला तरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीशा जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहेगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा विसा गोपी तुलसिया भार दुआजी बिपर गोविंद घेई भाइयड़ा आए मिलकर शिपर विसा गोपी तुलसिया भार दुआजी बिपर सच्चे पातशाह गरीब नवाज दी दुनिया दे मालक चबर छत्र तख्त दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख जी का सरगुण स्वरूप हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर अंतरजामी सुख निदान सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बड़े ही प्यार नाल सारी संगत उचारण करो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी की पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाए मन संगत जी आप जी सतगुरु जी की हाजरी विच जुड़ के बैठे हो साडे वड्डे भाग हन आओ सारी संगत प्यार नाल गज के फतेह बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अज धन गुरु नानक देव महाराज जी दे रूप सतगुरु श्री गुरु अंगद देव महाराज जी दा गुरपुरब है अज दे दिन मत्ते की सरां दे विच फिरोजपुर की धरती ते धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने बाबा फेरू मल जी दे ग्रह विखे
माता भराई जी दे उधर तो आगमन धारण किया है। भाई संतोख सिंह जी सतगुरु जी दे आगमन दे बाबत बचन लिखते हैं, जन्मत भगत संग जिस आई। इहदा भाव यह है, गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने जदों आगमन धारण किया है, गुरु अंगद देव महाराज जी दे जन्म दे नाल ही भगती आई है जी। भाव कहिंदे आ किदों भगत निज देह बनाई, जां कहिंदे मैं इउं भी कह लवां भी भगती ने ही शरीर धारण कर लिया ते उस शरीर दा नाम भाई लहणा जी रख दिता गया, गुरु अंगद देव जी रख दिता गया। मैं आरंभता दे उत्ते पहले ही आप जी दे चरणा च बेनती करदे आं, जिन्ना चाहो गुरु नानक साहब जी दे गुरपुरब उत्ते साडे मना विच हुंदा है, बिल्कुल ईमानदारी दे नाल गल करन लगा, इन्ना चा गुरु अंगद देव जी दे गुरपुरब ते साडे मन विच नहीं हुंदा जी। तुसीं अपने मन तो पुछ के वेख लो जी, जिन्ना चा गुरु नानक देव महाराज जी दे गुरपुरब ते हुंदा है जां गुरु गोबिंद सिंह जी दे आगमन गुरपुरब ते हुंदा है, उन्ना चा गुरु अंगद देव जी दे आगमन गुरपुरब ते नहीं हुंदा जी। क्यों नहीं हुंदा जी? ये साडी ढिल हैगी है जी, इहनूं असीं अपनी ढिल मन्नीए जां सानूं सोझी नहीं इन्नी हैगी, असीं गुरु अंगद देव जी नूं हो सकदे छोटा समझदे होईए जी, तां उह चा ना होवे साडे मन विच, असीं कोई छोटा रूप समझ लईए तां शायद असीं इन्ना चा नहीं करदे जी। पर सतसंगत जी चेता रखियो, इह फर्क असीं करदे हां, गुरु की बाणी ने फर्क नहीं किया जी। बहुत ढिलियाई दी गल आ, हुण वट्सएप फेसबुक दे करके पता लग जांदा है भी अज गुरु साहब का गुरपुरब है, नहीं तो कुछ साल पहला सिख जगत की जे मैं गल करा पता ही नहीं सी हुंदा भी अज गुरु जी का गुरपुरब है जी। गुरु नानक साहब जी दे अगे सारी धरती झुकी जी, जिती नौ खंड मेदनी, भाई गुरदास जी लिखते मक्का मदीना सबे निवाया, मक्का मदीना जिदे अगे कुल मुसलमान उम्मत झुकदी है, वह मक्का ते मदीना गुरु नानक साहब अगे झुक गया जी। तुसीं अंदाजा लाओ गुरु नानक साहब किडे वड्डे होणगे जी, मक्का मदीना गुरु नानक साहब जी दे अगे झुक गया जी। 84 सिद्ध गुरु नानक साहब जी नूं हथ जोड़ के कहन लगे, सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई, वड्डी कमाई। सिद्ध गुरु नानक साहब जी दे अगे झुके जी, जिधर जिधर गुरु नानक साहब जी गए उधर उधर दुनिया गुरु नानक साहब जी दे चरणा विच झुकदी गई। गुरु नानक साहब बहुत वड्डे ने, इस करके दुनिया गुरु नानक साहब जी दे चरणा विच झुकी। गुरु अंगद देव साहब किन्ने वड्डे होणगे, गुरु नानक साहब भी उन्हां दे चरणा च झुके जी। महाराज किन्ने वड्डे ने जी, तुसीं अंदाजा लाओ जी। थोड़ा जिहा इहनूं ध्यान दे के सुणियो, फर्क नहीं है, बंदे फर्क पा सकदे है, गुरु साहब दे गुरपुरब ते ना उह चा करके साड असीं फर्क पा सकदे हैं, पर गुरु की बाणी विच फर्क नहीं, चे रब दे घर विच इस गल दा फर्क नहीं हैगा जी, बिल्कुल फर्क नहीं हैगा जी। है दोवें धुरों गुरु, गुरु नानक साहब भी धुरों गुरु ने, इहदे च कोई शक नहीं, गुरु अंगद देव महाराज भी धुरों ही गुरु ने जी। पर साडे दुनियादार बंदियां दे सामने बड़ी बड़ी उदाहरण पेश करनी सीगी, गुरु कैसा होवे ते सिख कैसा होवे जी। एक कवि लिखदा, गुरु नहीं गुरु नानक जिहा, सिख नहीं गुरु अंगद जिहा, सारिआं बारे लिखिआ, साक नहीं गुरु रामदास जिहा कहिंदे,
गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा जीवन है, गुरता गद्दी तो पहला जिहड़ा जीवन है, सानू ये पता लगता है सिख किवें बनना है जी। सिख किवें बनना है, लगभग 7 साल गुरु अंगद देव जी गुरु नानक साहब जी की हाजरी में रहे जी। 7 साल जी, 7 सालों में बहुत कुछ होया जी, बहुत कुछ होया। बाबा कबीर साहब जी के श्लोक ने जी, ध्यान ना सुनो, रब तो जिहो जिहा है ही, रब का प्यारा किहो जिहा होना चाहिए है। श्लोकां दे विच उन्हां लिखिया, पहला दसिया भी रोड़े वर्गा होना चाहिए जी, रब का प्यारा रोड़े वर्गा होना चाहिए। श्लोक तुसीं सुने, रोड़ा होए रहो बाट का, तज मन का अभिमान। फिर आख्या नहीं, रोड़ा नहीं, गल नहीं बनेगी, रब का प्यारा रोड़े वर्गा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे धार्मिक बंदे रोड़े वर्गे ने, रोड़े वर्गे जी। क्यों? रोड़े उत्ते बड़े तगड़े बंदे तुरी जाते हैं, रोड़ा सही जाता है। तगड़ा बंदा ओहो ही रोड़ा हाथ में फड़ के गरीब ते मारे, रोड़ा उन्हों दुख भी देगा जी, रोड़ा पूरा नहीं है जी। ठीक है, रोड़ा होए रहो बाट का, रस्ते का वो रोड़ा है, कंकर ही है, पर रोड़े की भी निम्रता किसी हद तक हैगी है। अमीर दे अगे उहदी निम्रता च, गरीब अगे कोई निम्रता नहीं हैगी जी। बड़े बंदे रब दे रस्ते ते तुरन वाले इसे तरह ही है, कुछ बंदियां अगे उन्हां दी निम्रता हुंदी, सारियां अगे नहीं हुंदी जी। फिर बाबा कबीर साहब कहन लगे, नहीं, रब दा प्यारा ते मिट्टी अरगा चाहीदा। क्यों मिट्टी अरगा चाहीदा? क्यों? मिट्टी किसी नूं दुख नहीं देंदी। पर कहिंदे नहीं, मिट्टी विच एक अवगुण मिट्टी विच भी हैगा जी। वह की है? मिट्टी की भी निम्रता कुछ समय तक हैगी है, हवा मिलन की देर है। जिहड़ी मिट्टी पैरां हेठ है, वह मिट्टी सिर विच भी आ जाती है जी, वह मिट्टी सिर च आ जाती। फिर कहिंदे नहीं, कुछ बंदियां दी निम्रता इस तरह की होंगी, जिन्ना चिर ते पदवी ना मिले उन्ना चिर तक तो वह निम्रता वाले है। पदवी मिल गई, पदवी की हवा मिल गई, सिर ते बहणगे जी। वह कहिंदे नहीं, होर निम्रता चाहीदी है, रब का प्यारा मिट्टी वर्गा नहीं होना चाहिए। मैनू पता तुसीं ये उदाहरण बड़ी बारी सुनिया ने, मैं अज गुरु अंगद साहब जी के जीवन से उदाहरण ढुका रहा। पता है तुसी सुनते सुनते बजुर्ग हो गए जे उदाहरण जी, पर चेता रखियो, आम बंदे दे बोल बोले हुए कुछ समय बाद फिके हो जाएंगे। ये रब की बाणी है, जदों पढ़ लो उदों ही नवी है, जदों सुन लो उदों ही सिखिया है जी। बाबा कबीर साहब कहिंदे नहीं, हर जन रब दा प्यारा इहो जिहा नहीं चाहीदा। कहिंदे फिर ज्यों पाणी सरपंग, पाणी वर्गा हो जाए। फिर कहिंदे नहीं, पाणी वर्गा भी ना होवे। क्यों? सीरा ताता होए, पाणी दा इह अवगुण है जी। जिहो जी संगत मिले, पाणी उहो जिहा हो जांदा जी। ठंडी संगत मिल गई, ठंड दी संगत मिल गई, जम ही जाएगा जी। ते गरमैश तपश दी संगत मिल गई, उबाले मारन लग पेगा जी, उबाले मारेगा जी। कुछ बंदे इस तरह दे हुंदे, हुंदे ते धार्मिक रस्ते ते तुरदे है, पर जे माड़ी संगत मिल जाए ते कुछ समय लई माड़ा भी बन जांदे ते कुछ समय लई चंगा बन जांदे जी। हुण जे मैं इमानदारी नाल गल करां, अज गुरु अंगद देव जी दा गुरपुरब है, बिल्कुल ईमानदारी दे नाल जे साध संगत जी गल करिए, ये तीन अवगुण साढ़े विच भी हैगे ने जी। तगड़े अगे निम्रता रखते हैं, माड़े नूं अखां विखा देंगे जी। फिर
पदवी मिलन ते सिर च बहन लई भी तैयार हो जाते जी। पहला बड़ी निम्रता जी ते संगत का असर भी है जी साढ़े ते जी। दुनियावी चीजा के नाल रब की तुलना नहीं की जा सकती, इस करके भगत कबीर जी कहते हैं नहीं हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हर जन ते हरी वर्गा ही चाहिए जी। जैसा हर ही होए, जैसा हर ही होए, जैसा हर ही होए, जैसा हर ही होए। जिस तरह का रब है ओह जिहा ही चाहिए जी, ओह जिहा चाहिए। पर हुण इह ते दस दिता कि रब वर्गा चाहिए जी हर जन, रब वर्गे बनना किवें है जी, किवें बनना रब वर्गे। हुण इह गल भावें बाबा कबीर जी दे इन्हां श्लोकां विच लड़ी वार्ता च नहीं मिलदी, पर बाणी विच ते मिल जांदी है ना, जो प्राणी निसदिन भजै रूप राम तेह जान। हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान, जेड़ा गोविंद नूं भजदा है दिन रात जपदा ओ रब दा रूप ही है जी। प्यारियो जिस तरीके नाल रब दा जन रब दा सेवक ना पत्थर वर्गा ना पानी वर्गा ना मिट्टी वर्गा होना चाहिए, रब दा सेवक रब वर्गा ही होना चाहिए। गुरु नानक साहब महाराज जी दे कोल गुरु अंगद साहब जी गुरु नानक साहब ही बन गए जी, फर्क नहीं रहा जी, फर्क नहीं रहा। दुनियादारी दे विच की हुंदा है, मालक मालक रहिंदा है, नौकर नौकर रहिंदा है जी, सेवादार सेवादार ही रह जांदा है, जेड़े मालक हुंदे ओह मालक बनदे है जी। पर इत्थे दस्तूर ये नहीं टुकिया, गुरु अंगद देव जी ने नौकर बन के सेवा की जी। कहना सौखा जी, अज असी चंगे पैसे वाले हाँ, सब कुछ साडे कोल है, कोई भी बंदा नौकर बन के गुरुद्वारे अज भी सेवा करन नूं तैयार नहीं होएगा जी। हाँ जी आवांगे, कुछ समा सेवा करांगे, सेवक भाव भी रखांगे, पर नौकर बन के सेवा करन नूं कोई तैयार नहीं होवांगे जी। तुसी ते चंगे हो मैं तुहानू नहीं कह रहा, पर मैं एक सच्चाई तुहानू दसदा, बहुत सारे लोग गुरद्वारे मत लैण नहीं आउंदे, देण आउंदे जे, देण आउंदे जे, ओह मत देण वास्ते आउंदे मत लैण वास्ते नहीं। जिहदे विच पहले मैं आई हां जी, हुण मेरी ड्यूटी रब ने लाई है जी, ड्यूटी इह ला दित्ती जी रब ने। गुरु अंगद देव जी गुरु नानक साहब वर्गे बन गए जी, किवें बन गए। मैं पहला एक बाणी की पंक्ति कह दिया, फिर मैं इतिहास वाले पासे आवांगा। इतिहास तुसीं सुनिया लगभग जी, शायद गुरु रामदास जी की पंक्ति है, हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चल है गुर चाली, गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता, सुखदाता हम लावै आपन पाली, पाली। ए पंक्ति तुसी भी अपनी जिंदगी च बड़ी बारी सुनी ते मैं भी बड़ी बारी सुनी जी। एक बारी पढ़ियो, हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चल हैं गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता हम लावै आपन पाली, पाली। ए अखरी अर्थ सुनियो, महाराज असीं वकारां चन्ने हो गए हैं, गुरु दी चाल है किवें चलीए, जिवें गुरु जी कहिंदे उवें किवें चलीए। आप किरपा करो ते महाराज सानू अपने पल्ले नाल ला लो जी, साडे ते दया करो। अखरी अर्थ इहो ही ने, हुण इहनूं ध्यान ना सुणिओ, अखरी अर्थ इह ने। किते नहीं बाणी च कहा भी मैनूं अखां दे महाराज, मैं अन्ना, इत्थे पंक्ति च नहीं कहा कि मैं अन्ना हो गया मैनू अखां दे, अखां नहीं मन्नियां, मंगियां की मंगिया, मैनू अपना पल्ला फड़ा दे जी।
गज के आखो वाहे गुरु, अखां भी तो मंग सकते हैं, ये क्यों क्या मैनू अपना पल्ला फड़ा दे। हुण चेता रखियो अखां कोल आ भी जान की गरंटी है असी चंगे पासे तुर पीए जी, अखां आ भी जान की गरंटी है असी माड़ा काम नहीं कदी करांगे। सतगुरु ने समत दिती, महाराज कहिंदे अखां ना मंग, बंदे दा की पता है ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲਾ ਲਓ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਨੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚੱਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀਏ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਤੋਰੇ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਤੋਰੇ ਉੱਧਰ ਤੁਰੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਤੋਰਿਆ ਉਹ ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਪੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾਇਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨਣੇ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੀਚੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਏ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂੜ੍ਹਤਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਾਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਭਾਈ ਜੋਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ, ਸੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਤਾ। ਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਉਹ ਸੰਗ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ,
भाई लहना जी करतारपुर मुड़ पे जी। जदों वह मुड़े गुरु नानक साहब मंजे ते बैठे सी, गद्दी ते बैठे सीगे। बाबा बुढ़ा साहब जी होर गुरु के सिख लागे बैठे हुए ने, ते गुरु नानक साहब ने कहा, महाराज कहन लगे साडे राज भाग दा धणी आ रहा है, मैं उन्हूं जी आया कह दिया। कह लगे धणी का अर्थ की हुंदा है? मालक। गुरु तो की छुपया है? हुण जे तुसी बहुत डूंगे जा के विचार करो ना, बहुत डूंगे जा के, अजे वो मुड़े ही ने करतारपुर नूं, गुरु नानक साहब कहण लग पए भी साडे राज भाग दा धणी आ रहा है, मैं उन्हूं जी आया आखावां, भाव साडे राज भाग दा मालक आ रहा है। इहदा मतलब ही गुरतक गद्दी देनी तो पहला ही नीयत सीगी जी। गज के आखो वाहे गुरु। ये तो गल पहला ही संगत जी नीयत है। ये तो हाँ जिमें एक फिल्म खड़नी है, फिल्म खेडनी है, नाटक खेडना है, वो खेडिया सानू सिखिया आवे सानू जी, सानू पता लग सके गुरु साहब नू कादा ओला है जी। कोई चेले नहीं नाल लए जी, गुरु नानक साहब कल्ले ही बाहर आ गए जी, कोई चेला नहीं नाल लिया जी। सतगुरु ने, मालक ने, खुद परमेश्वर ने बड़े सिख महाराज के कोल रहिंदे। जदों गुरु अंगद देव जी की परीक्षा हो रही सी ना, 24,000 सिख गुरु नानक साहब जी के कोल रहिंदा सीगा उदों जी। अंदाजा लाओ, तो पहला भी इन्ने कते होण गए, कोई चेला नहीं महाराज ने लिया, कल्ले ही आके बाहर खलो गए जी। भाई लहना जी होना गुरु अंगद साहब ने होर किसे नूं नहीं पुछया जी, गुरु नानक साहब नूं ही पुछ लिया। कोई कहिंदे इत्थे रहिंदा नानक तपा, उन्हां दे दर्शन करने हैं, वह कित्थे ने? ते निम्रता वाले ना, जिहड़े निम्रता वाले, उन्हां दीआं गल्लां निहारियां हुंदियां जी। मैं कल एक काम कर रहा सां जरूरी जी, फोन आया किसी ज्ञानी सिंह दा, बड़ा वड्डा ज्ञानी जी। सिंह ने फोन चुकिया, पुछिया कौन हो, उन्हें नाम नहीं दसिया जी, नंबर मेरा मैं सेव नहीं सी कीता। वो कहन लगे कोई नहीं, वो मेरा नंबर पछाण दे ने, उन्हें कह दिओ। मैं वेला होया, सिंह कहन लगा भी इस नंबर तो फोन आया ते नाम नहीं उन्हें दसिया, मैं भी नहीं सी नंबर पछाण दा। फोन लाया, उन्हें नाम दसिया अपना, मैं बड़ा हैरान होया। एक वरी नहीं सिंह नूं आख्या भी मैं ही वह ज्ञानी बोलदा है, मैं ज्ञानी, उन्हें उस वेले गल करवाउणी ही जी। निम्रता, निम्रता गुरमुखां रब दे प्यारियां कोल निम्रता हुंदी है जी, निम्रता हुंदी। निम्रता ही नाम जपण दा तत् है जी। बड़ा नाम जपिया, निम्रता ही नहीं आई, तत् नहीं आया जी। गुरु नानक साहब महाराज नूं ही पुछ लिया भी गुरु नानक साहब तपा रहिंदे ने, कित्थे ने, उन्हां दे कोल जाणा। ते घोड़े ते बैठे, कई घोड़ी ते भी कहिंदे आ, चलो अपनी सवारी ते बैठे आ। ते गुरु नानक साहब महाराज निम्रता दा शिखर, गुरु नानक साहब महाराज कहण लगे कोई गल नहीं, तुसीं जाणा उन्हां कोल? कहिंदे हाँ। कहिंदे मैं तुहानूं लै चलदा हाँ। ये नहीं क्या भी मैं ही गुरु नानक देव जी हाँ। गज के आखो वाहे गुरु। किन्नी समत मिलती है जी, सानू कोई पुछे अही दस दे हाँ मैं ही हाँ, दस की काम है। खुद मालक हो के भी नहीं क्या भी मैं ही हाँ। ते असवारी दियां लगामां फड़ दियां जी, गुरु अंगद देव साहब घोड़े ते उत्ते बैठे है हाँ जी, ते गुरु नानक साहब तुर रहे ने जी। अस्थान ते पहुँच के कहिंदे पुरखा घोड़ा इत्थे बन्ना, अंदर आसन ते बैठे होने। जदों घोड़ा बन के अंदर आए ते संगत जी बड़े सिख आसे पासे बैठे, ते विचकार गुरु नानक साहब महाराज बैठे। भाई लहना जी ने देखिया, बहुत महसूस होया, ये मेरे कोलों केड़ी भुल हो गई है। खुद गुरु नानक साहब महाराज मेरे असवारी दियां लगामां फड़ के लै के आए, मैं उपर बैठा, ये तुरदे हुए नाल आए ने। बोले नहीं कुछ जी,
सिर नीवा कर लिया ते महसूस कर ली गल जी गद के आखो वाहे गुरु। ए भी मैं बेनती करा चंगा भगती वाला बंदा होएगा ना वो गलती करके महसूस करेगा जी। जिस बंदे दे कोल शुभ गुण नहीं है गे पल्ले भगती नहीं हैगी ना वो गलती करके महसूस नहीं करता भी मेरे को गलती हो गई है। महसूस कर लिया जी गुरु अंगद देव जी ने ना एक गल महसूस कर ली भी मैं पहले दिन आया पहले दिन ही बेद भी कर बैठा पहले दिन ही मेरे को सत्कार नहीं हो सकया ते गुरु नानक साहब ते अंदर दियां गल्लां जानन वाले ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जान गए भी ये महसूस कर गए ने। जदों महाराज जान गए ना भी इन्होंने महसूस कर लिया महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे पुरखा तेरा नाम की है ते बोले नहीं जी महसूस कर लिया ही ना। महाराज फिर कहिंदे पुरखा तेरा नाम की है कहन लगे जी लैणा। महाराज कहिंदे तू लैणा असी देना कहन लगे गद के आखो रमज च गल करती जी रमज विच जी तू लैणा असी देना लैणदार चढ़ के ही आउंदे हुंदे ने कहन लगे कोई गल नहीं महसूस नहीं करना बस संग ते फिर चले गया जी। गुरु नानक साहब महाराज जी की हजूरी च ही गुरु अंगद देव साहब रह गए ते जेड़ी पंक्ति आपां पहला पढ़ी है ना हम लावै आपन पाली उस दिन तो गुरु नानक साहब का पला फड़ लिया जी। जिधर जिधर गुरु नानक साहब ने तोरिया फिर उधर उधर ही गए जी उधर उधर गए घर खबरां पहुंच गईं भी जिथे मैं पहुंचना सी ना उथे मैं पहुंच गया हुण मेरा इंतजार ना करियो जिथे मैं पहुंचना सी उथे मैं पहुंच गया। सिख किहो जिहा हुंदा फिर संगत जी उथे परख होई जी ईमानदारी नाल मैं अपने समेत गल करदा अज गुरु जी दा गुरपुरब है किसी दी जिंदगी च 25 साल हो गए है किसी दा 20वां साल है किसी दा 50वां साल है ईमानदारी नाल गल करिए असी अपने आप नूं गुरु दे सिख खवाउने हैं पर सच्ची गल च अजे गुरु दा पल्ला नहीं फड़िया जी। जे पल्ला फड़िया होवे फिर जिवें गुरु जी तुरौण उवें ही अहीं तुरांगे अपनी मर्जी नहीं कर सकते जी अपनी मर्जी नहीं कर सकते। बड़ी प्रीख्या हुई जी बड़ी प्रीख्या हुई है ते तुरौं ही फिर करतारपुर साहब महाराज ने एक खेड वरताई एक गुरु गुरता गद्दी ते बैठे है दूजे गुरु सेवक दे रूप विच विचर रहे है सानू सिख्या दे रहे सेवक किहो जिहा होना चाहीदा है जी। महाराज भाई लहणा जी नाल सब तो ज़्यादा प्यार करन लग पए जी हर काम विच लागे रखना नेड़े रखना प्रीख्या होनी प्रीख्या चो सफल हो जाना जी। प्रीख्या किहो जिही होई जी ओह सुणियो प्रीख्यावां ते बहुत होईयां मैं थोड़ियां दा जिक्र करांगा। सारे वेखते भी भाई लहणा जी नूं महाराज बड़ा प्यार करदे आ महाराज दे पुत्तर भी कहिंदे आ भी साडे नाल इन्ना प्यार नहीं करदे इन्हां नाल ज़्यादा करदे आ। महाराज ने खेड वरताई जी जिवें गुरु नानक साहब बैठे आ संगतां बैठियां ने बिल्ली आई जी मरिया होया चूहा कई चूही भी कहिंदे आ वो अगे रख के चले गई जी। हुण बड़ी हैरानी की गल है भी बिल्ली तो चूहा वेख के छड्डदी नहीं जी वो तो खांदी उस वेले जी वो मरिया होया चूहा वेख इत्थे महाराज के अगे रख गई। महाराज बाबा श्री चंद जी नूं कहिंदे जी हाँ जी समय नाल बाबा श्री चंद जी की अवस्था बहुत उच्ची बन गई जी ये पहलां दियां गल्लां ने पहलां दियां जी। बाबा श्री चंद जी नूं महाराज कहन लगे भी श्री चंद जी चुको चुई चूहा चलो जो भी सी कहिंदे महाराज इन्ने सेवादार है ये माड़ा जिहा काम मैला कचैला मैं करा
बाबा लक्ष्मी दास जी नूं क्या कहिंदे, महाराज वड्डे भरा ठीक कहिंदे। उत्थे माता सुलक्खणी जी भी बैठे सीगे जी। माता सुलक्खणी जी आम ही गुरु नानक साहब नूं कहिंदे सीगे, तुसीं लैणे नाल ज़्यादा प्यार करदे हो। ते महाराज कहिंदे सुलक्खणी जी, तुहानूं किसे दिन विखा देंगे भी असीं लैणे नाल प्यार क्यों करदे हां। महाराज ने फिर बाबा लहणा जी नूं, गुरु अंगद देव जी नूं मुखों नहीं किया भी चूई चुको, इशारा किया पुरखा। बस उस वेले अद्धी खादा चूई, अद्धी खादी चूई जड़ी है अपने हाथ ते रखी ते बाहर सुट आए। महाराज माता सुलक्खणी जी नूं कहन लगे, इस करके ही ज़्यादा प्यार कर दें कहन लगे, इस करके कर दें। महाराज कहते और बर्तन वाली कहावत भी बड़ी बड़ी तुम सुनी है, बर्तन वाली भी सुनी है जी। वो चिकड़ बेच डिग गया, डिग गया कि महाराज ने आप ही सुटिया जी। श्री चंद जी कड्डो, महाराज बर्तन ही है, सुटिया क्यों सी पहला? हुण महाराज कहिंदे कड्डो। महाराज चुप हो गए। लक्ष्मी दास जी नूं कहा, महाराज सुटिया क्यों सी पहला? गुरु दियां गल्लां गुरु जाणदे, बहुत गल्लां रमज च ही हुंदियां ने, सतसंग जी रमज च हुंदियां ने। ਉਹ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਖਾਇਕ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ। ਅਤੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪੁਰਖਾ ਸਤਿਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਲਾ ਕਚੈਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੱਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮੱਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਐ ਭਾਂਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਬਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਂਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ। ਰੁੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੁੱਖ ਝੜ 24,000 ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਉਣਾ ਵਧੀਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਝਾੜਨਾ ਜੀ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਝੜੇਗਾ, ਚੜ੍ਹੋ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਝਾੜੋ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ, ਸੇਬ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੋਕ ਲਾਮੇ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਜੀ, ਝਾੜੀ ਝਾੜ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਝਾੜੀ ਜੀ, ਲੱਡੂ ਪੇੜੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਰਸਗੁੱਲੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨੂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜੋ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹ ਉਹ ਡਿੱਗੇਗਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਚੁੱਕੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਝਾੜਦੇ ਗਏ ਆਈ ਗਿਆ, ਝਾੜਦੇ ਗਏ ਆਈ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰ ਦਿਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਪੁਰਖਾ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਲੰਘ ਗਈ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਖਾ ਫਿਰ ਵੇਖ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਓਨੀ ਲੰਘੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਲੰਘਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਓਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ।
महाराज खुश हो गए सच्चे पातशाह। अद्धी रात का समा महाराज कहते मेरे लीड़े सका के लैके आओ, कोई नहीं गया। गुरु अंगद साहब गए, जदों बाहर जाके लीड़े फड़े सूरज चढ़ गया जी। शरदा भावना कमाल करके विखा दी गुरु अंगद देव साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने। इस करके फिर एक दिन ऐसा आया सारी दुनिया ने जिस गुरु नानक साहब अगे मत्था टेकया, वह गुरु नानक साहब जी ने गुरु अंगद देव जी दे के मत्था टेक दिता जी। मेरे हाथ च की महाराज कहें, कोई कवे महाराज 7 रुपए, कोई कवे महाराज तुहाडे हाथ च मोहर है, कोई कवे कुछ। गुरु अंगद साहब महाराज सच्चे पातशाह हाथ जोड़ के कहें, महाराज आप जी दे हाथ विच इंज मुठ्ठी बंद सी गुरु नानक साहब जी, महाराज तुहाडे हाथ विच करोड़ा ब्रह्मंडा दियां करोड़ा ही पातशाहियां ने। शरदा की गल है ना, करोड़ा ब्रह्मंडा दियां करोड़ा ही पातशाहियां ने। महाराज कहिंदे पुरखा फिर बोल, फिर इहो गल दोहराई। महाराज कहिंदे जा फिर हाथ खोल के झोली च करता, कहिंदे करोड़ा ब्रह्मंडा दियां करोड़ा ही पातशाहियां तेनू ही दित्तियां। कहण लगे पल्ला फड़ाया गुरु अंगद देव जी ने, वाहेगुरु पल्ला फड़िया गुरु अंगद देव जी ने, फड़ के रखिया। जिंदगी च कदी गुरु अंगद देव जी ने कच्ची पिल्ली गल नहीं की जी, अहीं कच्ची पल्लियां गल्लां कर जाने जी। सदा दृढ़ भरोसे वालियां, दृढ़ इरादे वालियां जी, दृढ़ इरादे वालियां जी। ते फिर गुरु नानक साहब जी ने गुरता गद्दी ते बिठाया, कहन लगे तुसी अज तो बाद गुरु हो, सिखां नू तारोगे तुसी। जदों महाराज गुरता गद्दी ते बैठे उदों भी बड़े चोज कीते सच्चे पातशाह जी ने जी, बड़े चोज कीते, बड़े सिखां नू उपदेश दित्ते। गुरु अंगद देव जी दी नेत्रां विच बख्शिश सीगी जी, हुण भी है जी। पट जी लिखते हैं, अमे दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल। हे गुरु अंगद देव जी, जिस उत्ते तुसी अमृत रूप दृष्टि पा देंदे हो महाराज, उहदे सारे पाप दूर कर देंदे हो तुसी, सारे पाप तुसी दूर कर देंदे। एक पंक्ति तुसी पढ़ते हो जदों मुख वाक हुंदा है, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। वेखो अज गुरपुरब है तो तुसी किन्ना ढिला ढिला बोल रहे हो, हाँ जी कोई चा नहीं ना होएगा ता ही है। आखो तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। यह सत्ता ते बलवंड जी दी पंक्ति है जी, सत्ता ते बलवंड जी ने यह गुरु अंगद देव जी की सिफत की है। हे गुरु अंगद देव जी, जेड़ा तुहाडे दर्शन कर लैंदा उहदे जन्मां जन्मां की मैल कट्टी जांदी है जी। और तुसीं सच्चे पातशाह हो, सच्चे पातशाह। यह पातशाही मिली कितों? गुरु नानक साहब जी तो मिली जी। ये महाराज गुरु नानक साहब ने तुहानू सच्ची पातशाही दित्ती जी। महाराज गुरता गद्दी ते सजे बेअंत सिख संगतां दा भला कीता सच्चे पातशाह जी ने, बेअंतां दा भला कीता। कुछ सिख ऐसे सन जिन्हां ने बड़ा ही लाभ प्राप्त किया महाराज की हाजरी च रह गए जी। निम्रता इन्नी कि खिचड़ी छकदे महाराज गुरु अंगद देव जी, ते नेरी चल रही भाई जीवा कहिंदा महाराज नेरी बंद कर दियो, बना दे खिचड़ी तुहानू। महाराज कहिंदे ना, असीं भुखे रह लवांगे, रब दे हुकम दे विच महाराज कहिंदे टंग नहीं अड़ाउणी, रब दे हुकम विच दखल अंदाजी नहीं करनी। महाराज कहिंदे खुद मालक ने गुरु अंगद देव जी, खुद मालक ने। सो महाराज गरीब नवाज कृपा करन, एक सिख ना जी उत्थे खीर बड़ी खाया करे जी, खडूर साहब सेवा ना कोई करया करे,
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਛਕੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰੇਨ, ਗੋਡੇ ਗਾਲਣ, ਹੱਡ ਬਾਲਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਕਦੀ? ਤੂੰ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਅੱਗ ਬਾਲ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ, ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਇਆ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਚੋਰ ਕੋ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਬਾਉਣੀ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਜੀ ਅੱਗ 'ਚ, ਸੜ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਬੇਬਾਨ ਆਇਆ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਚੋਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਚੋਰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਸਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੌ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਇੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਦਿਆ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਚਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਢਿੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ,
गुरपूरा मेरा गुरपूरा 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 गुरु जी दे गुरपुरब दी आप जी नूं बहुत बहुत वधाई होवे बहुत बहुत वधाई होवे सच्चे पातशाह मेहर करन सारिआं नूं महाराज चढ़दी कला वाला जीवन बख्श असीं वी अपना आपा गुरु जी नूं समर्पण कर सकीए गुरु जी दा पल्ला फड़ दईए गुरु जी दा पल्ला लग जाए माफी बख्शिश करियो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सज्जन सच्चा पातशाह।